अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं जी। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और जहाँ भी रहें अपने प्यारों का खैरियत से रहें। मैं नीचे गई थी, सांस भूल गई है, मैंने कहा वीडियो बनाऊँ आप लोगों के साथ फ्रिज साफ़ करने की। फ्रिज साफ़ करने लगी हूँ, मैंने कहीं धो लूँ। वो देखिए आज फ्रिज की सफाई। मैंने कहा कि फ्रिज में से चीज़ें काफ़ी सही कम हुई थी, तो नया सामान लाऊंगी, फिर फ्रिज में रखूंगी, फिर भी ज़्यादा हो जाएगा, तो इसीलिए मैंने कहा कि चले आज देखें। अंडे भी दो रह गए हैं तकरीबन, ये हमारे एप्पल भी ख़त्म हो चुकी है, टमाटर भी थोड़े से रह गए हैं, तो मैंने कहा इससे अच्छा होगा कोई नहीं कि फ्रिज साफ़ कर लिया जाए। और आपको पता है सर्दी आने वाली है, तो उसके लिए सफाइयाँ करनी बहुत ज़रूरी हैं। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। और सबसे बड़ा मसला यार मेरा बन गया, मेरे ना कमेंट्स नहीं आ रहे, कमेंट्स इस तरह नहीं आ रहे कि पता नहीं कहाँ पे मसला बन रहा है, मेरी वीडियोस में मसला बन रहा है कि मुझे कोई कमेंट्स नहीं आ रहे। तो प्लीज़ आप लोगों को किसी को पता है कि मेरी वीडियो देखे तो प्लीज़ मुझे बताएँ कि मैं अपने कमेंट्स के लिए क्या करूँ और किस तरह मैं इसको फॉलो करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तो प्लीज़ यूट्यूब मेरी हेल्प कीजिए, मुझे कोई समझ नहीं आ रही, तो इसलिए मैंने कहा आप लोगों के साथ एक वीडियो डालती हूँ कि मेरे कमेंट्स आने बंद हो गए हैं और सारा छान मार रहा है, कुछ समझ नहीं आ रही कहाँ से गलती हो रही है। लेकिन प्लीज़ आप फिर भी मुझे, अगर किसी को पता है तो आप मुझे बताएं कि इसका मसला कैसे हल किया जाए। तो मैं अभी फ्रिज साफ़ करती हूँ और आपको बताती हूँ कि आज की सफाई कैसे करते, बाकी भी घर का सारा काम रहता है। तो गाइज़ ये मैं धो चुकी हूँ सारे टब वगैरह, देखिए ज़रा इनको उल्टा कर दिया ताकि इसमें से पानी निकलता रहे। और अब मैं फ्रिज साफ़ करने के लिए जो आगे जाती हूँ, ऊपर वाला पोर्शन मैंने उस दिन साफ़ कर दिया था। देखिए सारा साफ़ किया है, अब ये मैं अपने मेकअप स्टिक पे इस पर रखती हूँ। फोकस, अब ये देखिए ये भी मैं करती हूँ, तो साफ़ करती हूँ फ्रिज को बताती हूँ। तो गाइस मैं फ्रिज साफ़ कर चुकी हूँ, देखिए यार पता है क्या मेरी ना गाइस, मेरी फ्रिज इतनी गंदी नहीं थी क्योंकि हम टोटल दो तीन लोग हैं, इसलिए इतना ज़्यादा वो नहीं बर्डन नहीं फ्रिज पर मैं डालती हूँ। तो अभी मैंने हफ्ता डेढ़ हफ्ता पहले साफ़ किया है, कपड़े से पोंछ पाँच ली थी मैंने, तो मेरा फ्रिज इतना इरादा नहीं था, लेकिन आज मैंने देखा कि चीज़ें कम होगी तो मैंने कहा चले सर्दी आएगी फिर दिल नहीं करता बंदे का, लेज़ी हो जाता है बंदा, तो मैंने कहा चले कर लेते हैं। तो गाइज और ऐसा कोई नहीं मसला, ठीक है। और बस गाइज मैं अभी ये सुबह आलू लिए थे मैंने, आलू हमारे ख़त्म हो चुके थे, सुबह हमारी गली में ठेले वाला आता है फिर मुझे से सब्ज़ी ले लेती है। तो अभी ये अभी बाकी सफाइयाँ भी करती हूँ और प्लीज़ आप मेरे साथ रहिए, ठीक है। साथ साथ मैं अपना काम करती हूँ, साथ साथ आपको बताती हूँ। और पोछी लगानी है सबसे पहले, जगह धोनी है। तो गाइस मैं फ्रिज साफ़ कर चुकी हूँ, बर्तन भी धो लिए, पानी चेक करती हूँ, सफाइयाँ कर चुकी हूँ।
कोई भी नहीं, पानी वाला तो कोई नहीं आया। तो गैस मैंने रूम की सफाई कर ली, झाड़ू लगा लिया, इतना गंद मेरे रूम में नहीं होता। तो बेडशीट साफ़ थी तो मैंने कोई नहीं चेंज की, बस मैंने कभी चले। और मैंने अभी पोछियाँ लगाती हूँ, फिर पानी लगाएंगी, पीने वाला पानी भरूँगी। और खाना आज देखें क्या बनता है हमारे घर में, तो मैं आपको बताती हूँ कि आज हमारे घर में पानी कल मैंने भर लिया था, लेकिन फ्रिज की सफ़ाई मैंने आप लोगों को कहा था कि एक एक चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि मैं क्या करने वाली हूँ। और अभी मैंने आपको बताया था कि मैंने आज फ़ैन साफ़ करना था। देखो पंखे कितने गंदे हैं, फल्ला देखें ना ज़रा। मैंने आज यासीन को कल कहा था, मैंने कहा प्लीज़ आप पंखे साफ़ कर दीजिएगा, ये मुझसे नहीं होते हैं। तो असल में जो सीढ़ी लगाते हैं ना, वो नीचे हम नीचे वाले से लेते हैं, तो वो सीढ़ी बड़ी ना हिलती जुलती है, तो मुझे डर लगता है। मैं वो यासीन ज़रा हल्के से, तो वो फिर ऊपर चढ़ते हैं तो वो आसानी से साफ़ करते हैं। क्योंकि फट्टा शट्टा होना तो ऊपर चढ़ के मैं खुद ही साफ़ कर लूँ, तो इतना मुश्किल काम नहीं है। लेकिन सीढ़ी पे चढ़ना ये बहुत ऊपर लगा हुआ है, तो मैं भी पोछियाँ लगाने लगी हूँ, पोछियाँ लगाती हूँ। और फिर उसके बाद अम्मा को उठाऊँगी और देखते हैं कि आज क्या पकाते हैं। आज मैंने भेजना था यासीन को, मैंने कहा था आज कीमा ले आए, आलू कीमा बनाते हैं, लेकिन मतलब सब कोई भी नहीं, बस चले गए उठ के, नाश्ता किया। और तो अभी दिन के लिए मैंने कहा कुछ करती हूँ, फिर शाम को देखेंगे कि क्या बनता है। अभी अम्मा, क्योंकि हम तो सुबह का नाश्ता और दिन का खाना हमारा एक ही होता है, तो इसलिए फिर मैंने अभी किया है काम, हांडी बनानी है। तो फिर बस आप लोग मुझे अच्छे अच्छे कमेंट्स कीजिए, मेरे कमेंट्स बंद हुए हैं और मैं अपने कमेंट्स को कैसे ओपन करवाऊँ, कैसे मैं ये नोटिफिकेशन भेजूँ। और तो प्लीज़ मेरी हेल्प करें जिसको पता है इसके बारे में, क्योंकि मैंने बड़ी मुश्किल से अपना चैनल बनाया है। और यूट्यूब चैनल आपको पता है, जो बनाते हैं जो करते हैं वो कितनी मेहनत होती है इस पर, तो इसलिए मैंने बड़ी मेहनत से इस चैनल को बनाया है। तो प्लीज़ आप मेरी हेल्प कीजिए और मुझे बताइए कि मैं अपने फॉलोवर्स को कैसे से बातचीत करूँ या उनको रिप्लाई दूँ, क्योंकि मेरे पास कोई कमेंट्स नहीं आ रहा, मेरे कमेंट्स बंद हुए हैं। तो मैंने आपसे पहले भी कहा है कि प्लीज़ जिसको पता है प्लीज़ मुझे बताएं। तो मैंने तो अपना सारा डेटा खोल के देख लिया, यूट्यूब पे वीडियो भेज रहा है लेकिन मेरे कमेंट्स नहीं आ रहे। तो 60% लोगों ने मेरा कमेंट्स आ रहे हैं मुझे, लेकिन मुझ तक नहीं पहुँच रहे। तो बस मैं थोड़ी सी परेशान हूँ कि मेरे कमेंट्स कब ओपन होंगे और मेरे कमेंट्स मुझे मिलेंगे। तो बस थोड़ी सी उदास हूँ इसलिए। तो कोई नहीं, करूँगी कुछ ना कुछ। तो कितनी मेहनत से एक नन्हा सा पौधा मैंने इस चैनल का लगाया है, तो अल्लाह करे ग्रूम हो, ठीक है। और आहिस्ता आहिस्ता मैं इसको ग्रूम करूँगी। जी गाइस, मैंने अपना काम कर लिया, ख़त्म हो गया है, सफाइयाँ सारी मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, सारा घर मेरा क्लीन, रूम भी डेली ना पूछे, डेली का काम नहीं, ख़त्म ही नहीं होते हैं। तो गाइस अपना ख्याल रखिएगा, ये मेरा छोटा सा ब्लॉग था जो फ्रिज साफ़ करने का मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। और अभी खाना बनाते हैं और देखिए ये वीडियो मेरी कहाँ तक कंटिन्यू चलती है। कल अभी आज मैंने यासीन के कपड़े भी प्रेस करने, यासीन आज कपड़े चेंज करके नहीं है, तो आज जुम्मा भी है, तो जुम्मे के लिए पता नहीं आते हैं नहीं आते हैं, कोई पता नहीं है उनका आने का। अगर करीब करीब हों तो आ जाते हैं, ना हो तो फिर नहीं आते हैं। तो बस उनका काम ही ऐसा है, बहुत टफ उनका काम है, लेकिन जब से उनकी तबीयत ठीक हुई अल्लाह का शुक्र है, अब तो काफ़ी बेहतर हैं। वरना यकीन ना खाना ना पीना, और मैं इनकी वजह से बहुत परेशान थी, दिन पे दिन कमज़ोर होते जा रहे थे, अपना बिल्कुल ख्याल नहीं रखते।